अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अदर न्यू ब्लॉग। क्या हाल, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, है सही से होंगे, अपनी अपनी दुनिया में खुश हो आबाद होंगे। लेट्स गो स्टेज, मैं जा रही हूँ कहीं पे, और मैंने सोचा ब्लॉग भी साथ साथ बना लेते हैं। इतने मेरे शूज़ ना टाँगियाँ चमक गई हैं, और आगे नानू ना तो मांगे। लुक गाइस, व्यू चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे मैंने जाना है था जी बैंक में, किराया पे करना है मकान का, और कुछ मार्केट से चीज़ें लेके आनी है घर के लिए। तो लेट्स गो होते हैं, आप भी चले हमारे साथ साथ, व्यू एंजॉय करें। क्या बता ना जा सके, पर यस ट्राई। बन दिया दिया बाबा रे तू मोल दे फिर बाय। सफाई इतनी डस्टिंग हुई है काफ़ी दिन से, डस्टिंग भी नहीं की है, थोड़ा थोड़ा मैंने इसको साफ़ किया है, इसको क्लीन अप करके तो मैंने आग लगाई है, क्योंकि सर्दी है काफ़ी ज़्यादा घर में। ये देखें डस्टिंग, ये सारी साफ़ करूँगी, ये देखें घर का सत्यानाश हुआ हुआ है। बस दिल ही नहीं करता, पता नहीं क्या है, इतनी रेस्ट के बावजूद भी जान ऐसे थका थका रहता है, आई डोंट नो व्हाई। अभी तो मेरा नमाज़ का टाइम होगा, पहले मैं वज़ू करके नमाज़ पढूंगी और फिर मैं इसको साफ़ करूंगा। अभी मैंने खाना भी बनाना है और टाइम काफ़ी हो गया है, तकरीबन 2 होने लगे।
हाँ जी गाइस, मैंने नमाज अदा कर ली है फजर की, सॉरी जोहर की। और इतना मजे का मौसम है, देखो धूप निकली हुई है और क्या ही बात है, हवा भी चल रही है, मजे का मौसम है, दिख रहा है बस इतनी सोच है। पर यकीन माने इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है कि अभी काम भी सारे पड़े हुए हैं, पहले वो करेंगे तो फिर जन सा देखते हैं रेस्ट के बारे में। मैंने सेट किए हैं सोफे के छाड़ वगैरह, अभी अब मैं जो सबसे पहले किचन में बर्तन धो लूँगी, फिर जो इधर आके फ्राई करती हूँ। जो भी फ्राई करनी हो ना चीज़, उसमें डाल सकते हैं हम ये कॉर्नफ्लोर, अच्छी से फ्राई कर मैरिनेट करके रख लेते हैं, थोड़ी देर में ऑयल गर्म हो जाता है तो फ्राई कर लेते हैं। हाँ जी गाइस, ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम ऐड करेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसका कलर देखना कितना अच्छा आता है, सही है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छा बनता है। हाँ जी गाइस, कुछ इस तरह का इसका कलर है, देखने कितना प्यारा लग रहा है। चिकन और बोनलेस ये मैंने दूसरी ऐड कर दी है इसमें, और अब मैं सॉस बनाऊंगी। हाँ जी, इसमें ऐड करेंगे टमाटर केचप, चिकन और वेजिटेबल के हिसाब से इसमें पानी भी ऐड करना, राइस, कुछ मिर्ची वाली सॉस, सही तीखा, इतना सा नमक, मिर्चें कुटी हुई, काली मिर्चें, एक टीस्पून चीनी, शुगर,
हाँ जी गाइस, ऑयल गर्म हो गया है। हम ये ऐड करेंगे फिर लहसुन अदरक का पेस्ट। और मैं पानी रख दिया चावल वास्ते। उस तो बाद जी ऐड करेंगे प्यारिया प्यारिया क्यूसिया मिर्चा सारिया तो गाजर। हम चंगी तरह ये फ्राई करेंगे। हाँ जी गाइस, इन्हें चंगी तरह फ्राई कर लिया से ऑयल के नाल वेजिटेबल में तो उन्हें दे विच भी ऐड करेंगे। अभी जी सॉस बनाई है वो ऐड करेंगे ये बिस्मिल्लाह। क्या मज़ेदार कढ़ाई बन के रेडी हो जी। नाल ही तुसी ऐड कर दो चिकन जरा फ्राई किया चंगी तरह कर लो मिक्स। नाल ही तुसी कॉर्नफ्लोर थोड़ा जहा पानी घोल के उत्ते पा दो। फिर जी इन्हें लाई जाना है लाई जाना है लाई जाना है। हाँ जी गाइस, मैं नमाज़ पढ़ी है अभी मगरब की और अभी भी नमाज़ पढ़ के फार गई हूँ। दिल कर रहा था चाय पीने का, बाबा को वाला चाय बना के ला दें। दिन देर में मैं नमाज़ पढ़ लूँ। खाना छाना हमने खा लिया था, अब हमारा रेस्ट करने का टाइम है। लेकिन मैंने बोला पहले नमाज़ पढ़ लूँ, तो साथ साथ नमाज़ अभी ख़त्म की है, तो मैंने बोला चलो इधर ही बैठ के व्लॉग एंड कर लेती हूँ। ओके जी गाइस, आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, वीडियो को कमेंट कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और आज इबादत की रात है, अभी मैंने मगरब की नमाज़ पढ़ी है। चाय मैं इसलिए बनवा रही हूँ कि चलो बंदा पी के ना फिर नींद नहीं आती। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक दी तो ज़रूर पढ़ेंगे हम, नफल भी अदा करेंगे शब बरात के। और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे, जिस जिसने पढ़े हैं उम्मीद है दुआओं में याद रखा होगा। पूरे पाकिस्तान को और मुसलमान को हमेशा दुआ में याद रखना चाहिए। और जो नहीं पढ़ते अल्लाह उनको भी हिदायत दे और सीधा रास्ते पे चलने की तौफीक दे। आज मुबारक दिन के सदक़े अल्लाह ताला जो भी औलाद हैं उनको औलाद ता फरमाए, जो परदेसी हैं परदेस में इतने अरसा हो गया बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब के नसीब अच्छे करे। और उनके जो जो मसले मसाइल हैं अल्लाह ताला उनके मसले मसाइल दूर करे। और जो इस दुनिया से परदेस में आते चले गए हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करे। उनके आगे पीछे वालों को सब्र कर दे जितना हो सके, ये बहुत मुश्किल होता है। हमारी दोस्ती हैं उनकी फैमिली में से ऐसा हुआ, कोई आ रहा था इधर प्रदेश तो रास्ते में उसकी बॉडी नहीं मिली, वो फौत हो गए। अलग अलग माफ़ करे, ऐसे हादसों से बचाए और नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह ताला को याद किया करें। हम मुसलमान हैं और हमारे मुसलमान होने का कोई सबूत नहीं है हमारे पास। सनेस्टी कार्ड पे सिर्फ नाम लिखना या फिर पाकिस्तानी लिखना पाकिस्तान नहीं होता जब तक हम नमाज ना पढ़ें, अल्लाह को याद ना करें, उसकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कामों पे ना चले तो हम मुसलमान नहीं हैं। बाकी उम्मीद करती हूँ हर इंसान इधर से आना है समझदार है। हम किसी को क्या कह सकते हैं, ज़ुबान से कहना है ना, को मार पीट के तो कह नहीं सकते हम। अल्लाह सब कुछ तौफीक दे और सीधा रास्ते पे चलने की तौफीक दे। आमीन सुमामीन। ओके गाइस, टेक केयर, दुआ करना ज़रूर, मैं भी दुआ में याद रखूँगी इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान को
हर मुस्लिम को, ख़ास करके जो हमारे प्रदेश में भाई, उन सब के माँ के बेटों को, बहन बहनों के भाइयों को। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गाइस।